तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंसेज में, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, इनमें कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और जैसे नेगेटिव हो जाता है, इंटरोगेटिव हो जाता है, या फिर इन दोनों का कम्बिनेशन हो जाता है, इन सब में एक ही सेंटेंस को या फिर एक ही वर्ड्स को लेकर हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जो सेंटेंस है ना, उनके टाइप्स को जानने की जरूरत है कि वो कितने टाइप्स के हम बना सकते हैं, कितने टाइप्स के बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसको हम कैसे, देखिए, अलग अलग भागों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपल में यदि हम इसको बोलेंगे तो मैं बोलूंगा आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव में यदि बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इंटरोगेटिव में बोलने के लिए हम बोलेंगे डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, इस तरह से। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में बोलेंगे तो बोलेंगे डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से देखिए, हमने इसको इन चार तरह से कैसे ट्रांसलेट किया, हमें कैसे पता चला कि ये ऐसे ऐसे बनेंगे, इसमें डोंट लगेगा, इसमें डू आगे आ जाएगा, इसमें स्पीक पीछे रह जाएगा, कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आज आप इनको फ्रेम करना सीख जाओगे, आज आप इनके बारे में पढ़ना सीख जाओगे। इस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इनके अदर अदर पार्ट्स में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 299, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना ई बुक्स चाहिए, तो देखिए ई बुक्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है जब उसको हम अलग अलग टेंसेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चीज समझनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट में आपकी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। प्रेजेंट में आपको यूज करना है इज एम आर, हैज हैव और डू डज का। इज एम आर का, हैज हैव का और डू डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। पास्ट में हम यूज करते हैं वाजवर, हैड और डिड। वाजवर, हैड और डिड, इनका इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं। और जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल, विल बी, विल हैव, विल हैव बीन, ठीक है, इनका हम फ्यूचर में यूज करते हैं। अब आपको कभी भी प्रेजेंट में पास्ट की या फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, और कभी भी पास्ट में प्रेजेंट और फ्यूचर की नहीं लगानी है, और फ्यूचर में कभी भी प्रेजेंट पास्ट की नहीं लगानी है, ये बात आपको याद रखनी है। और देखिए, एक चीज और आपको यहां से आसान हो जाएगी, जब भी आप इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब देखें तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाया गया है। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। और यदि इनमें से दिखे तो आपको पता चल ही जाएगा कि भैया सेंटेंस तो फ्यूचर का है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिए, अब यहां पर आप किसी भी सेंटेंस को अलग अलग, मतलब उसके टाइप्स में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जैसे सिंपल को नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, किस तरह से करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले ना उसका एक मेन फॉर्मूला होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का, जो मैंने ये लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसी से ये चारों चीजें बन जाएंगी। सबसे पहली बात, ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसमें आपको सब चीज पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, एचवी का मतलब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, सिंपल, सिंपल में तो ये सीधा ही लिखा जाएगा क्योंकि ये सिंपल ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि हम इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, इस वाले को नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। नेगेटिव में बनाने के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब है ना, सिर्फ इसके बाद नॉट लगा देना है और आपका नेगेटिव में स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये लीजिए, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, बाकी सब कुछ देखिए सेम है, ठीक है। तो अब बन गया हमारा नेगेटिव में। अब बात आती है इंटरोगेटिव में किस तरह से बनाएंगे। इंटरोगेटिव में बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको उठा के सब्जेक्ट से आगे रख देना है। तो ये लीजिए, हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे उठाकर रख दिया और बाकी जो बच गया था ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब मतलब नेगेटिव में बनाना है, इंटरोगेटिव में, दोनों का मिक्सर, मिक्सर बनाना, तो दोनों का काम करना होगा। सबसे पहले बना लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से आगे रख देना है, या फिर आपको नेगेटिव बनाना है
तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले नॉट लगा देना, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है ना नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, अब नेगेटिव तो बन गया, अब इंटरोगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख देना है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख दिया और पीछे नॉट जो था वो लगा रह गया, वर्ब ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से बनाना है। इसी तरह से आपके सभी नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल सारे सेंटेंसेस बनेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इनको। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं वो ये हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लेता हूं मैं, राहुल स्कूल जा रहा है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। राहुल कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें इसको यदि सिंपल में बनाना है तो कैसे बोलेंगे, राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है। यहां पर राहुल आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी वर्ब है, और टू स्कूल एक तरह से यहां पर आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये बन गया सिंपल का। अब यदि इसी को नेगेटिव में बनाना है तो अभी हमने क्या सीखा था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है इज, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, इज के बाद डायरेक्ट नॉट लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा। कैसे बोलेंगे, राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए यहां पूरा मैंने लिखा नहीं है स्कूल, क्योंकि जगह कम है तो आप समझ जाना है लास्ट में स्कूल है। ठीक है, राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, बन गया नेगेटिव में। इसी को यदि इंटरोगेटिव में बनाना तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख देना है ना। तो यहां से हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, इज को उठा के सब्जेक्ट से आगे रख देना है। तो कैसे बोलेंगे, इज राहुल गोइंग टू स्कूल, क्या राहुल स्कूल जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। और अब बनाना है लास्ट वाला, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का मिक्सचर। तो कैसे बोलेंगे, ये तो सेम रहेगा, अब हमें राहुल के बाद नॉट लगा देना है, इज राहुल नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या राहुल स्कूल नहीं जा रहा है। इस तरह से आप एक ही सेंटेंस को सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इन दोनों के मिक्सचर में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हम एक वर्ड का इस्तेमाल करके, जैसे हमने यहाँ पर गो का इस्तेमाल किया है, गो वर्ब है आपकी, इसका इस्तेमाल करके हम प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, मॉडल्स में किस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गो के सभी फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे गो, गो का मतलब होता है जाना, उसकी सेकेंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन, फोर्थ फॉर्म है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म है गोज। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये फोर्थ फिफ्थ कहाँ तक आ गए इसमें, तो देखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईआईएस लगता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने एक सेंटेंस लिया है, ही गोज, वह जाता है। ठीक है, अब इसी को यदि हमें कंटिन्यूटी में बोलना हो गो के साथ तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज गोइंग, पास्ट कंटिन्यूस में बन गया, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। देखिए गो का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट में किस तरह से बनाएंगे, गो के द्वारा पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा ही वेंट, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से बनाए हैं। मॉडल्स के कंटिन्यूटी में कैसे बनाएंगे, ही माइट बी गोइंग, ही माइट बी गोइंग, वह जा रहा होगा। और प्रेजेंट के नेगेटिव में ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। पास्ट के नेगेटिव में ही डिड नॉट गो, और मॉडल्स के नेगेटिव में ही वुड नॉट बी गोइंग, उसके बाद मॉडल्स में कैन के द्वारा ही कैन गो, और उसके बाद ही शुड गो। ठीक है, मॉडल्स में शुड के द्वारा। यहां पर आपने देखा कि हमने सब में सब्जेक्ट को सेम लिया है और हमारा जो गो है वो वर्ब भी सेम है, सब में ही आया गो, सिर्फ गो की फॉर्म से चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, कहीं गोइंग है, कहीं गो है, कहीं वेंट है, ठीक है, इस तरह से चेंज हुई है, कहीं पर गोज है। अब यहाँ पर जो ये टेंसेज चेंज हुए हैं ये किसके द्वारा हुए हैं, ये इनके द्वारा हुए हैं जो रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, वाज, वेंट, माइट, डज, डिड, वुड, कैन, शुड, इनके द्वारा चेंज हुए हैं। कैसे, जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है ना, वो कहाँ पर जाता है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में जाता है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। जब भी आप वाज वर्ब के साथ या फिर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, अब देखिए यहाँ पर वाजवर लिखा हुआ है, वाजवर कहाँ पर यूज होता है, पास्ट में यूज होता है, पास्ट में कहाँ पर, पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो इस तरह से हमें पास्ट कंटिन्यूअस में लेकर चला गया। वेंट यानी कि सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कहाँ पर यूज होती है, पास्ट के इंडेफिनेट में यूज होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मॉडल वर्ब में, अब जब आप बी लगाओगे, मॉडल वर्ब में बी लगाओगे किसी भी मॉडल के साथ, जैसे माइट बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, तो वो कंटिन्यूटी को दिखाएंगे यदि आप उसमें वर्ब लगाओगे। ठीक है, और जब आप डू डज का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनेट का है लेकिन नेगेटिव और इंटरगेटिव की तरफ इशारा करेगा। ठीक है, और जब डिड का इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब है कि सेंटेंस पास्ट का है, और वुड बी
और कुछ भी हो, चाहे कोई भी मॉडल वर्ब हो, उसमें तो आपको सबको पता ही है कि भैया मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। आगे चलिए एक एक और देखते हैं। मैंने टीवी देख लिया है, मैंने टीवी देख लिया है, कहाँ किसका सेंटेंस है बताइए। यह है प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस। अब चलिए इनको इन चार फॉर्म्स में बनाते हैं। तो पहला है आई हैव वॉच्ड टीवी, आई हैव वॉच्ड टीवी। आई आपका सब्जेक्ट है, हैज और हैव जो आप यूज करते हैं ना, हैज है उसमें से हैव का इस्तेमाल किया गया है, तो हैव यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वॉच की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाई गई है, तो ये वर्ब है और टीवी आपका ऑब्जेक्ट है। अब चलिए इसको नेगेटिव में बनाते हैं। नेगेटिव में बनाने के लिए अभी हमने सीखा था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब है तो हैव के बाद नॉट, आई हैव नॉट वॉच टीवी, मैंने टीवी नहीं देखा है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रख देंगे, तो ये देखिए रख दिया हैव आई वॉच्ड टीवी, क्या मैंने टीवी देखा है, इस तरह से, ठीक है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हैव आई नॉट वॉच्ड टीवी, क्या मैंने टीवी नहीं देखा है, इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस है। चलिए इसको अलग अलग भाग से में ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने प्रेजेंट में ही इज रीडिंग इंग्लिश, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो ही इज रीडिंग इंग्लिश। पास्ट में बनाएंगे तो बोलेंगे ही वाज रीडिंग इंग्लिश। फ्यूचर में बनाएंगे तो बोलेंगे ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। प्रेजेंट में इसका मतलब है वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, पास्ट में इसका मतलब है कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग इंग्लिश। फ्यूचर में इसका मतलब होगा कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हमने इसको बना दिया एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंसेज में। मॉडल से हम कैसे बनाएंगे, ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश, वह शायद अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, है ना, मॉडल्स के द्वारा भी बना दिया। नेगेटिव में बनाएंगे ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, ठीक है, इस तरह से। और नेगेटिव में ऊपर वाला तो था प्रेजेंट का नेगेटिव, नीचे वाला है पास्ट का, तो कैसे बोलेंगे ही डिड नॉट रीड इंग्लिश, वह उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, इस तरह से। मॉडल्स के नेगेटिव ही वुड नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। और मॉडल्स में इसी तरह से ही कैन रीड इंग्लिश और ही शुड रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है और उसे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंसेज में और मॉडल्स के द्वारा ट्रांसलेट किया है। इजम मार से हमें पता चला कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, वाज वर्ड से पता चला ही वाज रीडिंग कि सेंटेंस पास्ट का है, विल से पता चला कि सेंटेंस फ्यूचर का है, ही विल बी रीडिंग में, और माइट के द्वारा पता चल गया कि भाई ये तो मॉडल है, और डज के द्वारा पता चला कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, क्योंकि डू डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। डिड के द्वारा पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, क्योंकि डिड का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं। और वुड कैन और शुड इनसे हमें क्या पता चलता है कि भाई ये तो मॉडल्स के द्वारा बनाए गए हैं, तो पॉसिबिलिटी को दिखाएंगे, ठीक है। अब चलिए एक सेंटेंस का एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, तो कैसे बोलेंगे आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। I don't know you, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ये नेगेटिव बन गया। Do I know you, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, ये इंटरोगेटिव बन गया, और इन दोनों का मिक्सचर है Do I not know you, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इस तरह से आप प्रेजेंट पास्ट में अलग अलग सेंस में अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ, एम आई लर्निंग इंग्लिश, एम आई लर्निंग इंग्लिश, इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताना है कि इसकी हिंदी क्या होगी और ये कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें से भी आपको देखकर पता चल जाएगा, इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए बता दिया। तो आपको इसकी हिंदी बना के कमेंट करके बतानी है, और जिसको भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।